हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पराग पाल और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मटेरियल एस्टिमेट फॉर सर्कुलर आरसीसी वाटर टैंक के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जिसका नाम पराग पाल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वेबसाइट को www.civilnotes.com को क्या कीजिए, विजिट कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो अगर यूट्यूब पर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो इस वेबसाइट पर आप इजीली ढूंढ पाएंगे। साथ ही साथ उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी नोट्स भी अवेलेबल मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेट फॉर वाटर टैंक के बारे में, वो भी आरसीसी वाटर टैंक। जो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला है, उस रिप्रेजेंटेशन का मैं पहले आपको ब्रीफ देता हूँ। ये जो सेप्टिक वाटर टैंक है, आरसीसी वाटर टैंक, ये सर्क्यूलर है। इसका टॉप सेक्शन मैंने आपको निकाल के दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज वॉट टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू मैंने आपको निकाल के दिया है, ओके। और ये इसका सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कि 1:2:4 इस ग्रेड का यहाँ पे हमने दिखाया है, और उसकी थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ओके। ना उसके बाद ये जो है S1, मतलब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों वो है वॉल और ये नीचे का भी उसके साथ कंबाइन है, ठीक है। तो ये दिस दो वॉल और नीचे का जो सेक्शन है, ये दोनों एक साथ ही कास्ट हुए हैं, लेकिन जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से इनकी क्वांटिटी निकालेंगे। मतलब इस बेस की यहाँ से लेके इतनी और वॉल की दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक दोनों साइड की हम निकालेंगे क्वांटिटी मीटर क्यूबिक में। उसके बाद आरसीसी का जो थिकनेस, मतलब जो स्लैब है वो आरसीसी का है, उसकी भी जो स्लैब है उसकी ग्रेड है 1:2:4 मिक्स है उसका, और वो भी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने जो ओपनिंग दी है वाटर टैंक के लिए वो 60 सेंटीमीटर की है, ओके, और उसकी थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर है। जो वॉल है उनकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर और वो आरसीसी वॉल है, और हमारे इस वॉल में जो हमने स्टील यूज किया है वो 1% ऑफ जो 4M के जो बार है, ओके, 1% @ जो 4 है बार है, हमने वो यूज किए हैं, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे पूरा मैंने आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया। तो ये जो बीच का, मतलब होल है, ठीक है, बीच का सर्कल है, उसका डायमीटर है 4 मीटर, ओके। देन उसके बाद जो है, जो मतलब फ्रॉम दिस सेंटर टू ये जो एक्स्ट्रा आपकी वॉल है वो 15 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, और जो एक्स्ट्रा आउटर जो है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से वाटर टैंक दिखेगी, अगर आप उसका सेक्शन निकाल दे तो आपको ये दिखेगा। मतलब क्या क्या हुआ, देखो, ये जो D1 है ये बीच का होल है, ओके। D1 मतलब 4 मीटर प्लस 4.15 जो रहेगा वो आपका वॉल तक रहेगा, ओके, और 4.5 जो रहेगा, ओके, वो जो डायमीटर रहेगा वो आपका PCC का रहेगा। तो अगर ऊपर से देखते हो तो आपको इस तरीके से टॉप व्यू मिलेगा, और अगर साइड से देखते हो तो आपको इस तरीके से सेक्शन मिलेगा, ओके। नाउ अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम किस तरीके से आरसीसी पीसीसी वर्क, आरसीसी वर्क फॉर वॉल, आरसीसी वर्क फॉर स्लैब और डिडक्शन इस होल का इस स्लैब में से किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम इनके सीमेंट की, सैंड की, फाइन एग्रीगेट की जो क्वांटिटीज है वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप इस डायग्राम को अपने पेज पे या कहीं पे निकाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है, मैं मेरे नए मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके, क्या सॉरी ना। अभी हम मैं अभी यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखता हूँ, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीसीसी वर्क के बारे में, यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे फर्स्ट वर्क हम जो करने वाले हैं, वर्कआउट सीमेंट सैंड एंड क्रश स्टोन फॉर स्टील फॉर दिस गिवन वाटर टैंक, ओके। तो यह जो हम करने वाले हैं वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले मैं बात करने जाने वाला हूँ पीसीसी वर्क के बारे में, ओके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क के बारे में बात करने जाने वाला, ठीक है। तो मैं पीसीसी वर्क के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप पहले सबसे पहले मुझे बताइए।
ठीक है, इस पीसीसी वर्क में जो आपको सेक्शन दिख टॉप व्यू दिख रहा है वो दिख रहा है सर्कुलर, तो हम जो वॉल्यूम निकालेंगे वो सर्कुलर वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक जो उसका फार्मूला जो आप लिखेंगे वो इस तरीके से रहेगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ओके मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, राइट, तभी हम मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकाल पाएंगे, राइट। तो सर्कल का है तो मैंने इसका एरिया ले लिया, लेकिन मल्टीप्लाई अगर मैं थिकनेस से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसका वॉल्यूम मिलेगा। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम पाई बाय 4 को इसी तरीके से रखते हैं। नाउ अभी डी, ये जो डी है ये कौन सा डी रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, आप इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल में सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ पीसीसी निकालेंगे, ओके सो डी डाया ऑफ पीसीसी, ओके तो ये किस तरीके से रहेगा आप देख सकते हैं, ये 4 मीटर रहेगा, ओके प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे आंसर इसका जो मिलता है वो मुझे मिलेगा 4.5 मीटर, ओके 4.5 मीटर। तो ये मुझे मिल गया डायमीटर ऑफ पीसीसी, ओके तो मैं क्या करता हूं, ये जो डी है मेरा यहां पे मैं लिख दूंगा 4.5, ओके 4.5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो थिकनेस है, थिकनेस पीसीसी की थिकनेस मैंने आपको यहाँ पे कितनी दिखाई, 10 सेंटीमीटर दिखाई, तो मैं यहाँ पे 0.1 यहाँ पे लिख दूंगा, ओके तो इसके हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन का मेरा आंसर जो आने वाला है वो आएगा मेरा 1.59 मीटर क्यूब, ओके तो 1.59 मीटर क्यूब, इतना मुझे पीसीसी वर्क में मुझे क्या मिलेगा, मुझे पीसीसी वर्क में इतना कॉन्क्रीट लगेगा। ठीक है, और 1.59 मीटर क्यूब का इतना मुझे मेरा पीसीसी है जिसमें मेरा सीमेंट सैंड कंक्रीट लगेगा, ओके तो उसमें फिर इसी वैल्यू को लेके हम सारे सीमेंट सैंड एग्रीगेट को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कॉलेज में ये चीजें बताते नहीं है नॉर्मली। अभी हम बात करेंगे सेकंड जो कि आरसीसी वर्क है। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हो आरसीसी वर्क हमारा किस किस चीजों में। एक तो है यहाँ पे मैं ये जो स्केल है स्केल का यूज करके आपको रिप्रेजेंट करूंगा, ओके देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये टोटल मतलब यहाँ से ये दो वॉल और नीचे का बेस, ओके तो इन दोनों को क्योंकि मैं इनको डिफरेंशिएट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं वॉल का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, तो वॉल का वॉल्यूम जो है उसमें से मुझे ये बीच का सरफेस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस बेस का अगर मैं निकालता हूं तो मुझे उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी वॉल है, ओके इस वॉल को मैं मतलब ये जो आरसीसी वर्क है इस वर्क को मैं अलग तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसको ये मेरा हो गया S1, ओके और ये हो गया मेरा S2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले S1 के लिए कैलकुलेशन करूंगा, बाद में मैं S2 के लिए कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो मेरा सेकंड जो वर्क रहेगा वो रहेगा आरसीसी वर्क इन वॉल फॉर S1, ओके तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेकंड आरसीसी वर्क, ओके फॉर वॉल विच इज S1 इज इक्वल्स टू, ओके वो भी वॉल है या कॉन्क्रीट वर्क भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखो ये पूरा वाटर टैंक है वो सर्कुलर है, तो हम पूरा फार्मूला में पाई बाय 4 × d² यूज करेंगे, लेकिन उसकी हमें मीटर क्यूब में क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है, इसलिए हम थिकनेस को कंसिडरेशन में लेंगे, राइट। तो हमें आरसीसी ये वॉल के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वॉल के लिए हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई बाय 4 × थिकनेस करेंगे। तो इसका जो फार्मूला मेरा रहेगा वो इस तरीके से आएगा, पाई बाय 4 × d² × थिकनेस, ओके ये आएगा। ठीक है, अभी आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, जो मैं यहाँ पे थिकनेस लेने वाला हूँ वो मेरी थिकनेस कितनी रहेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको D1 तो बोल दिया, लेकिन हम अभी 10 सेंटीमीटर को कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 1.5 तक ही कंसिडरेशन, मतलब हमारा जो थिकनेस रहेगा ये D1 से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरा इसको मैं D2 नाम देता हूँ, तो मेरा जो D2 रहेगा वो रहेगा 4 मीटर प्लस प्लस रहेगा 0.3, मतलब 4.3 जो कि मेरा D2 रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेस करता हूँ, D2 कहाँ से रहेगा, D1 मतलब यहाँ तक, ये जो है ना ये जो पोर्शन है अप टू दिस तक में मेरा रहेगा D2, ओके तो ये हो गया मेरा D2, ओके तो ये जो D2 है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
डी टू, ओके ये मेरा डी था, तो मैं इसमें अभी पूरी वैल्यू भरूंगा तो मेरा कैलकुलेशन किस तरीके से आएगा। देखो पाई बाय फोर को वैसे रखेंगे इनटू डी टू की वैल्यू मेरी कितनी आई, अभी मैंने आपको बताया 4.3 आई, जो कि मैं इसको स्क्वायर में लूंगा मल्टीप्लाई पे। जो मेरी थिकनेस है, थिकनेस मेरे पास जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 0.15 है, ओके तो 0.15 ही लूंगा, क्योंकि नीचे की भी 0.15 है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। इसकी देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थिकनेस इज 0.15, यहाँ पे इधर लिखिए, ओके मीटर में लिखिए, ओके तो 0.15, तो मुझे जो आंसर मिलेगा मेरे हिसाब से वो मेरे कैलकुलेशन से 2.178 मीटर क्यूब में मिल रहा है। उसके बाद मैं वॉल के लिए कैलकुलेशन करूंगा। अभी देखो दोस्तों, अभी मैं सिंपल कैलकुलेशन क्या करना चाहूंगा, मैं देखो मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला यूज करूंगा जिसमें से, अभी देखो इसमें ये पोर्शन तो मेरा हॉलो है, ठीक है, तो मुझे इस पोर्शन का मतलब मुझे D1 जो माइनस करना पड़ेगा, ओके तो मेरा इतना डायमीटर मुझे माइनस करना पड़ेगा इतने डायमीटर से, मतलब D2 में से मुझे D1 का डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो उसका जो मेरा फार्मूला आएगा जो कि मैं S2 के लिए कैलकुलेशन करूंगा, तो मेरा थर्ड आएगा RCC वर्क फॉर वॉल S2, जो कि कैसे किस तरीके से मेरा फार्मूला बनेगा, पाई बाय फोर इनटू, अभी देखो यहाँ पे D1, ओके D1 मतलब यहाँ पे मेरा D2 सबसे बड़ा है, तो D2 में से मैं D1 माइनस करूंगा, राइट, मतलब ये बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, राइट। मुझे इस एरिया से काम है, मुझे इस एरिया से काम नहीं है, ठीक है, जो ये मैं क्रॉस जो एरिया किया मुझे सिर्फ इस एरिया के बारे में मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे D2 माइनस D1 का स्क्वायर करूंगा, राइट, ओके मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस, राइट, या मल्टीप्लाई बाय उसका डेप्थ, सॉरी उसकी डेप्थ करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे डी बताना भूल गया हूँ, मेरे डायग्राम में मैंने लिखना भूल गया, तो ये जो डेप्थ है, ठीक है, ये जो डेप्थ है वॉल की, क्योंकि हमें वॉल का मीटर निकालना है, मतलब हाई वॉल्यूम निकालना था, तो डी जो है उसका 3 मीटर है, ओके मतलब डेप्थ, ओके तो पाई बाय फोर इंटू टी क्यूब, पाई बाय फोर इंटू ये जो स्क्वायर है इसको अलग तरीके से लिखते, सॉरी ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा, इस तरीके से रहेगा, तो ये इसका जो कैलकुलेशन होगा इस तरीके से होगा, पाई बाय फोर इंटू डी टू की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे 4.3, में से 4 माइनस करेंगे, मतलब 4.3 का स्क्वायर, 4.3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी की जो वैल्यू है, मतलब जो डेप्थ है वो है मेरी 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर है, तो ये किस तरीके से रहेगा 3 मीटर यहाँ पे लिख देता, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन जो मेरा आंसर आएगा वो आता है 5.8867 मीटर क्यूब, ये मुझे मिल गया S2। सो मेरा जो टोटल ये वर्क है वर्क प्लीज विद दिस, मतलब टोटल RCC जी जो मेरा वर्क करने वाला है, ठीक है, वो अभी मेरा स्लैब होने का ही है, तो ठीक है मैं RCC वर्क फॉर स्लैब भी निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, बाद में टोटल RCC वर्क हम निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्थ है मेरा, अभी मैं ये कर लिया, अभी मेरा ये RCC बताया, RCC भी कैसा, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट है, राइट, सो यहाँ पे RCC वर्क फॉर स्लैब निकालेंगे हमारा, RCC वर्क फॉर स्लैब, बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, जो जिसका मिक्स है 1:2, 2:4 है, ओके और उसकी जो थिकनेस है ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर जो है, ओके तो उसके लिए मैं जो स्लैब के लिए निकालने वाला, देखो हमको पता है कि हमारा पूरा वाटर क्या है, वाटर टैंक सर्कुलर है, तो हमारा स्लैब भी किस तरीके से रहेगा, सर्कुलर रहेगा, हालांकि ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा टॉप व्यू है, राइट, तो जो मेरा फार्मूला रहेगा वो डेफिनेटली पाई बाय फोर इंटू, अभी मेरा डी कौन सा रहेगा, मेरा डी रहेगा एक कॉमन डी, मतलब ये जो मैंने जब PCC के लिए यूज किया था वो डी रहेगा या D1 रहेगा, आप बताओ, ठीक है। देखो हमारा स्लैब कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, मतलब हमारा D2 हमें यूज करना पड़ेगा, हमें D1 D यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, D हमारा यहाँ तक है, ठीक है, D1 यहाँ तक है और D2 जो है वो हमारे यहाँ तक है, ओके तो हमारे D2 तक स्लैब है, तो हम क्या करेंगे D2 यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं D2 स्क्वायर ओके इनटू थिकनेस, राइट, तो यहाँ पे फिर से हम पूरे वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे D2 लिख दिया मैं, ओके पाई बाय फोर इंटू D2 की हमारी वैल्यू है 4.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो मेरी थिकनेस है वो है 0.1, तो इस हिसाब से मेरे जो वैल्यू आ रही वो आई 1.452 मीटर क्यूब। बट आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे मैंने 60 सेंटीमीटर की एक ओपनिंग दी है, तो इस ओपनिंग को मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस आरसीसी स्लैब में से डिडक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस 60 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकालूंगा, ओके। फिर वो वॉल्यूम निकलने के बाद मैं उसमें से उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा और उसके बाद मैं डिडक्शन करूंगा, राइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसका, ओके। फिफ्थ नंबर पे ये रहेगा डिडक्शन फॉर होल, डिडक्शन फॉर होल, ओके। तो जो डिडक्शन रहेगा होल के लिए वो भी ऑब्वियसली वो सर्कुलर डिडक्शन, सर्कुलर ही मैंने रखा है अपनी, ओके। तो ये कैसा रहेगा, पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वेयर, ओके। अभी इसके लिए मैं इसका एक जो डी है उसको मैं डी थ्री नाम देता हूँ, तो यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो ये डी थ्री हमने बोल लिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो ये किस तरीके से आएगा, पाई बाय फोर इंटू डी थ्री, मतलब इसका डायमीटर जो रहेगा वो है 0.60, राइट। सो 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, जितनी स्लैब की रहेगी 10 सेंटीमीटर, ओके। सो 10 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 0.1, ओके। तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर आने वाला है वो आ रहा है मेरा 0.0 0.0 282 मीटर क्यूब। ना वो भी है मेरा डिडक्शन है, राइट। तो मैं इसको रेड मार्क से मार्क करता हूँ, राइट। ये डिडक्शन है, मुझे कैंसिल करना है, किस में से, इस आरसीसी स्लैब में से कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द टोटल एग्जैक्ट वॉल्यूम जो मेरा आने वाला है, तो मतलब 6 नंबर, ओके, आर एग्जैक्ट, और मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट, मैं इसे डायरेक्ट बोलूंगा द आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क फॉर स्लैब आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन। तो ये किस तरीके से रहेगा, देखो हमारा स्लैब का कितना है 1.452 है माइनस 0.0 282, तो ये जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 1.423। तो ये मिला मीटर क्यूब मुझे एग्जैक्ट स्लैब के लिए, ओके। तो इस तरीके से मैंने टोटल आरसीसी वर्क अभी मुझे निकालना पड़ेगा कि मेरा एग्जैक्ट आरसीसी वर्क कितना है, राइट। तो टोटल आरसीसी वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो टोटल आरसीसी वर्क मतलब जो इतना भी मेरा आरसीसी का है, ओके, उतना मुझे ऐड करना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद मुझे स्टील भी निकालना पड़ेगा, राइट, कि मेरा कितना स्टील है, कितना स्टील लगा है, ओके, विद डेंसिटी एंड ऑल। तो मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल आरसीसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ल्यूब प्लेन यूज करूंगा, ओके। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको टोटल आरसीसी, टोटल आर रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, ओके। तो ये जो रहेगा, देखो किस तरीके से रहेगा, आरसीसी वर्क यहां से लेंगे, ये पहला, ओके, फिर ये दूसरा स्लैब के लिए, ओके, उसके बाद ये पूरा डिडक्ट करने के बाद मुझे ये मिला, राइट। तो हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे, मतलब 2.178 प्लस 5.867 प्लस 1.423, ये पूरा आएगा मीटर क्यूब में, ओके। तो इसका मुझे जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर मेरा आने वाला है, उसका आंसर मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा 9.468 मीटर क्यूबिक, ओके। तो इस तरीके से मेरा आया टोटल आरसीसी वर्क। नाउ अभी मुझे स्टील का भी देखना है, मतलब मेरा स्टील भी मैंने यहाँ पे जैसे डायग्राम में बोला है कि मैंने इस आरसीसी का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्स मतलब क्या, उसमें स्टील भी है और कॉन्क्रीट भी है, ठीक है, इसलिए उसको रीइन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। तो मुझे अभी स्टील का भी निकालना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली स्टील कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं स्टील निकालता हूँ। वैसे मैंने डायग्राम में बताई है आपको कि मैं 1% यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो 1% ऑफ स्टील, ओके, 1/100 हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय, अभी मेरा टोटल आरसीसी वर्क में से मैं टोटल आरसीसी वर्क का 1% में स्टील यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो 1/ ये जो हो रहा है, ठीक है, सॉरी मेरा कैमरा शेक हो रहा है थोड़ा, ओके, तो 1/100, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9.468, मतलब टोटल आरसीसी वर्क का मैं 1% मेरा स्टील यूज होने वाला है, मतलब क्या होगा, 0.09468
मीटर क्यूब, तो ये मेरे मीटर क्यूब में वैल्यू निकली, लेकिन स्टील हमेशा हम किस में निकालते, केजी में निकालते, इसलिए जो डेंसिटी है स्टील की उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.09468 मल्टीप्लाई बाय 7850, तो उसके हिसाब से मुझे जो डेंसिटी मतलब जो केजी में मिलेगा वो रहेगा 744 केजी, इतना स्टील हमें लगने वाला है, राइट? ये हो गया। तो इसके हिसाब से जो मेरा नेट टोटल नेट आरसीसी जो मुझे मिलने वाला है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, ये जो मेरा 9.468 है उसमें से मैं माइनस करूंगा ये मेरा 0.096, क्योंकि वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब भी माइनस करेंगे 09468, तो इसके हिसाब से मुझे नेट मिलेगा वो जो है उसका 9.373 मीटर क्यूब। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जो नेट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हमें जो लगने वाला है, नेट आरसीसी जो हमें लगने वाला है विदाउट स्टील जो हमें लगने वाला है, और टोटल नेट आरसीसी बोलते हैं 9.373 और उसमें 744 केजी इतना हमें स्टील लगने वाला है। अगर हम स्टील को कंसिडर करते, ठीक है, तो स्टील को अगर हम कंसिडर करते तो हमारा टोटल रहेगा 9.468। ओके, नाउ अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमें टोटल पीसीसी वर्क भी निकालना है, ठीक है? तो टोटल पीसीसी वर्क मतलब टोटल सीमेंट कंक्रीट वर्क जो हमें निकालना है वो कितना भी यहाँ पे मैं लिख करता है, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल सीमेंट सैंड क्रश, क्रश स्टोन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 9.373 तो रहेगा, प्लस ये हमारा पीसीसी भी रहेगा, 1.59, बिकॉज पीसीसी में सब ये चीजें आते हैं, तो हम दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा टोटल वॉल्यूम होता है 10.963 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से 10.963 मीटर क्यूब इतना मुझे आरसीसी वर्क मुझे मतलब इसमें सीमेंट सैंड और क्रश स्टोन को मुझे वॉल्यूम में निकालना है, ठीक है? तो ये सबसे ये इसका मुझे एस्टिमेट निकालना, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया, क्योंकि ये वीडियो बहुत इजी है दोस्तों, मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम एग्जैक्टली करने वाले, लेट मान लो कि बाइंडर है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट है, और सीमेंट है, सैंड है और क्रश स्टोन है, तो उसका जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, कैलकुलेशन किस हिसाब से होने वाला है, देखो बोला जाए, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा शेक होता है, तो देखा जाए तो क्या होगा, ये जो है, यहाँ पे अगर मैं एक देखूँ तो जो रेशियो के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो रेशियो रहता है, जो रेशियो रहता है वो रहता है, वो रहेगा आपका सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट, सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इसको मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ, सीमेंट सैंड क्रश एग्रीगेट लिख देता हूँ, क्रश्ड एग्रीगेट और क्रश स्टोन, चलो क्रस्टोन बोल गया। तो इसके हिसाब से मेरा जो इक्वेशन बनेगा, वो कैसा, मुझे मटेरियल निकालना है, राइट? मुझे मटेरियल निकालना है, मुझे मटेरियल के क्वांटिटी चाहिए, राइट? जो कि मुझे किस तरीके से मिलेगी, रेशियो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, राइट? सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, ठीक है? मतलब सबसे पहले मुझे ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सम ऑफ रेशियो मतलब सी प्लस एस प्लस सी ए का मुझे एडिशन करना पड़ेगा, और जिसका मतलब सीमेंट चाहिए तो सीमेंट सी अपॉन सी प्लस एस प्लस सी ए इंटू ड्राई वॉल्यूम, अगर सैंड चाहिए तो एस अपॉन सी प्लस एस प्लस सी ए, मतलब यहाँ पे लिख देता, अगर मुझे सीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी अपॉन सी प्लस एस प्लस सी ए मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, अगर मुझे सैंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एस अपॉन सी प्लस एस प्लस सी ए इंटू ड्राई वॉल्यूम,
तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले अभी हम चेक करते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम निकालना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ड्राई वॉल्यूम मतलब वेट वॉल्यूम, जो भी आपका वेट वॉल्यूम है, उस वेट वॉल्यूम को आपको क्या करना है, 1.5% मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जैसे ही आपने 1.5% मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, ड्राई वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, उस पेज के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो हमारे पास टोटल आरसीसी वर्क कितना है, टोटल टोटल आरसीसी टोटल हम टोटल वर्क, टोटल कॉन्क्रीट वर्क बोलते हैं, क्योंकि हमने स्टील को डिफरेंट स्टील को निकाल लिया था, राइट। तो हम इसको आरसीसी नहीं बोल सकते अभी। टोटल कॉन्क्रीट वर्क जो हमारे पास है विथ इंक्लूडिंग पीसीसी, राइट, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें से इस 9.468 में से मैंने 0.09468 माइनस किया, जो कि मेरा क्या था, स्टील का क्वांटिटी था। तो ये मेरा टोटल कॉन्क्रीट वर्क आया विदाउट स्टील, प्लस मैंने इसमें क्या किया, जो मेरा पीसीसी जो कि कॉन्क्रीट वर्क है उसको ऐड किया, क्योंकि दोनों की जो मिक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का मिक्स, इसका 1:2:4 और पीसीसी का भी 1:2:4 है। तो दोनों का जो मैंने एडिशन किया तो मुझे 10.963, तो इन के लिए मैं निकालूं, क्योंकि मिक्स सेम है, तो मिक्स सेम है, इसके लिए अगर मिक्स डिफरेंट रहता तो मैं अलग अलग तरह से सॉल्व करता, लेकिन अभी टोटल कॉन्क्रीट वर्क मेरे पास कितना भी 10.963 मीटर क्यूब, इतना है। अभी सबसे पहले मैं रेशियो के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे हम, हमारा रेशियो कितना है दोनों के लिए, 1:2:4 है, राइट, 1:2:4 है। तो इसका सम करेंगे, हमें सम चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सम ऑफ रेशियो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो ये आएगा मेरा 1+2+4, तो ये मेरा आएगा 7, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे निकालूंगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में निकालूंगा ड्राई वॉल्यूम, मुझे ड्राई वॉल्यूम चाहिए, ड्राई वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो मैंने आपको बताया वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.54, ये मेरा फार्मूला है। तो सबसे पहले मेरा वेट वॉल्यूम कितना है, वेट वॉल्यूम मतलब ये 10 जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है, 10.963 मल्टीप्लाई बाय 1.54, उसको अगर आप करते हैं तो आपको उसका आंसर मिलेगा 16.883 मीटर क्यूब, राइट। तो ये आपको मिल गया ड्राई वॉल्यूम। अभी आपको ड्राई वॉल्यूम मिल गया तो अभी आप बस आपका सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी क्रश स्टोन की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी मैं निकालने जा रहा हूँ, जो मैं ब्लू कलर यूज करूंगा, चलो ठीक है। तो जो सबसे पहले मटेरियल का फार्मूला लिख देते हैं, तो फार्मूला कैसा रहेगा आपका, आपको तो मैंने पहले बताया, मटेरियल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, रेशियो ऑफ मटेरियल, रेशियो ऑफ मटेरियल अपॉन सम ऑफ रेशियो, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। सो सबसे पहले जो मेरा सीमेंट का, जो मैं उसके वॉल्यूम निकालने वाला हूँ, सीमेंट मटेरियल जो है मेरा सीमेंट, उसका निकालूंगा। तो रेशियो ऑफ मटेरियल कितना है सीमेंट का, ये सी मतलब वन है, CSCA, तो C मतलब सीमेंट का मेरा 1 है, 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो मेरा कितना है 7 है, और मेरा ड्राई वॉल्यूम कितना है 16.883, मतलब इस वॉल्यूम में से 1/7 जो रेशियो रहेगा वो है मेरा सीमेंट, ठीक है। तो वो मुझे मिलता है 2.41 मीटर क्यूब। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमें जो सीमेंट रहता है वो ऐसे ही नहीं मिलता है, हमें बैग के हिसाब से मिलता है, और एक बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट इन मीटर क्यूब, उसका जो वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब वो रहता है 0.035 रहता है। तो मैं क्या करूंगा, ये मतलब नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए मैं सीमेंट बैग यहां पे लिखता हूं, सीमेंट बैग्स, तो ये रहेगी जो ये वॉल्यूम है 2.41 डिवाइडेड बाय 0.035, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बैग जो कि आई में 68.8 बैग्स मुझे मिल रही है, राइट। उसके बाद मैं सेकंड सॉल्व करूंगा, सेकंड सॉल्यूशन मतलब अभी तो मैं 0.035 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में रहेगा वॉल्यूम ऑफ वन बैग। उसके बाद मैं सैंड सॉल्व करूंगा, फिर मैं बाजरी मतलब जो जो भी लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं सैंड सॉल्व करूंगा। सैंड के लिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, आपको क्या करना है,
जो आपका ये 2.41 है, क्योंकि आपका वही रेशियो आने वाला है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल तरीके से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। डायरेक्ट 2.41 मतलब वही रेशियो लो आप, ओके ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ओके मल्टीप्लाई बाय मे बी, ओके तो अभी हम साइन का जो मटेरियल है वो निकालेंगे कि हमें कितना साइन चाहिए। देखो 2.41 मल्टीप्लाई में मैं 2 कर देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट कैसा आएगा, हमारा रेशियो है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 16.883, 1/7 इंटू 16.83 मतलब हमारा 2.41 था, उसको मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके तो इनडायरेक्टली मेरा जो वॉल्यूम मुझे मिला वो मुझे मिला 4.82 मीटर क्यूब मिला। ओके उसके बाद अभी मतलब 4.82 मीटर क्यूब इतना मुझे क्या चाहिए, सैंड चाहिए। अभी मैं बाजरी के बाजरी निकालूंगा मैं कि मुझे कितनी बाजरी चाहिए रहती है। ओके बाजरी हम जिसको बोलते हैं वो रहेगा हमारा 2.41 मतलब इज नथिंग बट 1/7 इंटू 16.83 मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम। इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो इस तरीके से रहेगा 4/7 इंटू 16.883 जो कि मेरी वैल्यू आएंगी 9.64, और इसमें मैं इस तरीके से करता हूँ डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी आएंगी मेरे 9.64 मीटर क्यूब। ओके तो मुझे बाजरी चाहिए कितना 9.64, तो इसके हिसाब से जो मेरा पूरा मतलब एस्टिमेट जो कि हमने मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिया था जिसका नाम था मटेरियल एस्टिमेट फॉर आरसीसी वाटर सर्कुलर आरसीसी वाटर टैंक, तो मेरे जो मटेरियल एस्टिमेट मेरा जो निकला है वो इस तरीके से निकला है कि मुझे चाहिए सीमेंट ऑफ 69 बैग जो कि मेरा 68 पॉइंट समथिंग एट आया है, तो मैंने 69 लिया। मुझे सैंड जो चाहिए वो चाहिए मुझे 4.82 मीटर क्यूब। ओके मुझे क्रश्ड स्टोन जो है, क्रश्ड स्टोन जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 9.64 मीटर क्यूब जो कि मैंने यहाँ पे निकाले। ओके और जो मुझे स्टील बार है मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जो मेरा स्टील बार है, ओके जो मेरे स्टील बार है, ओके वो मुझे चाहिए 744 केजी। ओके तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मतलब इसका मीनिंग ये हो गया, अगर आपको सर्कुलर आरसीसी वाटर टैंक बनाना है तो उसके लिए आपको 69 नंबर ऑफ सीमेंट की बैग लगने वाली है, 4.82 मीटर क्यूब इतना सैंड लगने वाली है, 9.64 मीटर क्यूब इतना आपको क्रश स्टोन लगने वाला है, और आपको 744 केजी आपको क्या लगने वाला है, स्टील लगने वाला है। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो नोट्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे वेबसाइट पे मैं डालूंगा एक दो दिन में, तो आपसे भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और प्लीज मेरे वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा, धन्यवाद। और मैं हो सके तो उसके ऊपर एक मैं स्प्रेडशीट बना के मेरे वेबसाइट पे डालूंगा ताकि अगर आप इसके डायमीटर आपके टैंक के अंदर चेंज होते हैं तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट में आंसर वैल्यू डाल के आंसर डिटरमाइन कर सकते हो, तो आपको एस्टिमेट में काम में आएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।